कोयला खदान के कोलयार्ड से कोयला चुराकर भागने वाले ट्रक को कोयला खदान से पास कराकर बाहर निकालने वाले दो लोगों को सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद सुरक्षा विभाग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि बुधवार को कोयला खदान में एक ट्रक कोयला चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले की जांच करने आई नागपुर की कोल स्टेट टीम ने दो सुरक्षा कर्मियों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया था। खदान में लगे सीसीटीवी में ट्रक चालक के अलावा दो ट्रांसपोर्टरों के दो सुपरवाइजर ट्रक को चेक पोस्ट से पास करते हुए दिखाई दिए। जांच के उपरांत इन दोनों सुपरवाइजरों और उनके ट्रांसपोर्टरों पर खदान प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लोडिंग करने वालों ने बिना डिस्पैच ऑर्डर के ट्रक कैसे भरवाया और नोडल ऑफिसर ने बिना जांच किए ट्रक को कैसे जाने दिया, वैकोली प्रशासन ने इसकी भी जांच अब तक क्यों नहीं करवाई, ये बात है समझ से परे। सीसीटीवी के अनुसार कोयला यार्ड से लेकर चेक पोस्ट से बाहर निकलने तक दो लोग दुपहिया वाहन में सवार होकर ट्रक चेक पोस्ट तक ले आए। इसके बाद इनमें से एक दुपहिया वाहन लेकर आगे निकल गया, जबकि दूसरा व्यक्ति चेक पोस्ट पर निलंबित कर्मचारियों को गुमराह करते हुए दिखाई दे रहा था। नागपुर का जीएम कार्यालय, स्थानीय सब एरिया कार्यालय तथा कॉलरी मैनेजर तुषार वाघमारे ऐसे लोगों को क्यों बचा रही हैं और मुख्य सुरक्षा अधिकारी की संदिग्धता को भी क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, ये समस्या परे है। पारशिवनी पुलिस थाने में ट्रक चालक बबलू पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जांच कर रही पुलिस ने भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने मामले की जांच करवाने की मांग की है। जल्द ही सीसीटीवी फुटेज निकाले नहीं गए तो फुटेज का डाटा डिलीट होने की भी आशंका है। अति संवेदनशील कोयला खदान में बिना अनुमति आने जाने पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन इस खदान में खदान प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सिंगोरी खदान से कैमरामैन आशीष राउत के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।